हेलो फ्रेंड्स, आजकल न्यू हेयर लोशन काफ़ी चर्चे में है, स्पेशली इसके प्राइस को लेकर तो बहुत ही ज़्यादा चर्चे में है। ऐसे में कई व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट किए कि एक डिटेल्ड रिव्यू इस प्रोडक्ट के ऊपर देने के लिए, क्या वाकई न्यू हेयर लोशन को लगाने से हेयर फॉल बंद होता है, न्यू हेयर रीग्रोथ होता है, क्या इस प्रोडक्ट को ख़रीदना वाकई वर्थ है। एक बात मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि इस वीडियो में जो भी मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा वो मेरे पर्सनल ओपिनियंस होंगे, पर्सनल थॉट्स होंगे, जो दूसरों से अलग हो सकता है। तो सब कुछ डिटेल में जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। हेलो, मेरा नाम है मृणाल विश्वास, स्वागत है आप सभी के जेन्युइन टिप्स पर। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यू हेयर लोशन एक थाईलैंड बेस्ड प्रोडक्ट है। कंपनी का दावा है कि अगर आप इस लोशन को डेली 2 times 3 महीने तक लगाते हैं तो आपका हेयर फॉल बंद हो जाएगा, डैंड्रफ खत्म हो जाएंगे और 3 महीने में आपके न्यू हेयर रीग्रो हो जाएंगे। प्रॉपर लगाने का तरीका यह है कि आपको लगाने से पहले हेयर को अच्छे से वॉश कर लेना है। वॉश के लिए आपको बेबी शैम्पू ही यूज़ करना है, इसके अलावा कोई अदर शैम्पू नहीं यूज़ करना। वॉश करने के बाद हेयर को अच्छे से ड्राई कर लेना है, स्कैल्प को अच्छे से ड्राई कर लेना है। देन उसके बाद फिंगर से 2 मिनट स्कैल्प पर मसाज करना है और उसके बाद कंघी घुमाना है, चाहे आपके सर पर बाल हो या ना हो। देन उसके बाद आपको न्यू लोशन को हेयर पर स्प्रे करना है, हेयर रूट पर करना है ताकि स्कैल्प पर लगे, और छोड़ देना है। जब तक आप इस लोशन को यूज़ करेंगे तब तक आप कोई अदर प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप रेगुलरली डेली 2 times इसको फॉलो करते हैं तो आपके हेयर फॉल बंद हो जाएंगे, डैंड्रफ खत्म हो जाएंगे और 3 महीने में हेयर रीग्रो हो जाएगा, ऐसा कंपनी का दावा है। अब बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। इसमें है मस्क मेलन एक्सट्रैक्ट 1%, यानी कि खरबूजे का एक्सट्रैक्ट 1% है। देन सॉ पल्मेटो 2% है, जिंसिंग रेडिक्स अल्वा 2% है। देन इक्विसेटम अर्वर्न्स एक्सट्रैक्ट 3% है, जिसे कॉमनली हॉर्सटेल बोलते हैं। देन इसमें है एकिप्टा प्रोस्टेट एल 3%, कॉमनली इसे भृंगराज बोलते हैं। इसके अलावा इसमें है इथाइल एल्कोहल 15%, प्रोपिलीन ग्लाइकोल 10% और प्यूरिफाइड वाटर QS। अब थोड़ी डिटेल में इनके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करते हैं। इसमें है मस्क मेलन एक्सट्रैक्ट, यानी कि खरबूजे का एक्सट्रैक्ट। कंपनी का दावा है कि इससे बेबी हेयर ग्रो होते हैं, जबकि मैंने ऐसा कहीं सुना नहीं ना पढ़ा है। हाँ यस, इतना पता है कि ये हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, स्पेशली स्किन के लिए, डाइजेशन के लिए। ये स्किन को ग्लो करवाता है क्योंकि इसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है और ये स्किन को मॉइस्ट रखने में हेल्पफुल है। समर में ये बॉडी को कूल रखता है और ये खाने से फ़ायदा है, ना कि लगाने से। देन इसमें है सॉ पल्मेटो एक्सट्रैक्ट, जो कि एक नेचुरल DHT ब्लॉकर का काम करता है और ये खाने में ज़्यादा फ़ायदा है, ना कि लगाने में। इसीलिए कई सारे हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं जिसमें सॉ पल्मेटो एक्सट्रैक्ट का यूज़ किया जाता है। अलग से सॉ पल्मेटो के टैबलेट्स भी आते हैं जो कि DHT ब्लॉकर के रूप में यूज़ होता है। तो ये खाने में फ़ायदा है, ना कि लगाने में। देन इसमें जिंसेंग रेडिक्स अल्वा, कंपनी का दावा है कि इससे हमारे स्कैल्प में जो सेल्स है उसको स्टिमुलेट करता है, जिससे कि हेयर को न्यूट्रिएंट्स मिलने लगता है और हेयर रिग्रो होने लगता है। जबकि मैंने इसके बारे में पता किया तो पाया कि ये मोस्टली वीकनेस को दूर करने में हेल्पफुल है और हमारे शरीर में स्टैमिना को बढ़ाने में हेल्पफुल है। देन इसमें है इक्विसेटन अर्वन्स एक्सट्रैक्ट, कॉमनली इसे हॉर्सटेल बोलते हैं। कंपनी का दावा है कि इसमें सिलिकन कंटेंट है और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, जो हेयर को टूटने से रोकता है, हेयर को मजबूत करता है और डैंड्रफ को कंट्रोल करता है। जहाँ तक मैंने इसके बारे में पता किया, मोस्टली ये किडनी, यूरिनरी, ब्लैडर के लिए हेल्पफुल है। देन ब्लीडिंग को कम करता है, अल्सर, घाव को ठीक करने में हेल्पफुल है। यस, एंटीऑक्सीडेंट इसमें भरपूर मात्रा में मौजूद है। देन इसमें है एकिप्टा प्रोस्टेट, कॉमनली भृंगराज बोलते हैं। इन्होंने इनके वेबसाइट में इसके बारे में कुछ डिटेल्स नहीं दिया है, लेकिन हम इंडियंस को इसके बारे में पता है, सुना है कि ये हेयर फॉल को कंट्रोल करने में बहुत ही हेल्पफुल है। देन इसके अलावा इसमें है इथाइल एल्कोहल, जो कि एक सॉल्वेंट के पर्पस में यूज़ होता है, ये एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट के रूप में यूज़ होता है। इसके अलावा इसमें है प्रोपिलीन ग्लाइकोल, जो कि मॉइस्चर को रिटेन करने में हेल्पफुल है, जो वाटर को होल्ड करके रखता है, जिससे कि मॉइस्चर बना रहे और जो हमारी स्किन है वो ड्राई ना हो। तो स्पेशली ये डैंड्रफ के लिए हेल्पफुल है। अब बात करते हैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरे हिसाब से इस लोशन में जो इंग्रेडिएंट्स है उससे सिर्फ हेयर फॉल कंट्रोल हो सकता है, डैंड्रफ कंट्रोल हो सकता है, लेकिन न्यू हेयर रीग्रोथ नहीं होंगे। जो बेबी हेयर्स पहले से है वो किसी हद तक थिक और लॉन्ग हो सकता है, जिससे कि ये लगेगा कि वाकई न्यू हेयर रीग्रोथ हुआ है, लेकिन उसमें भी एक ट्रिक्स है। कंपनी ने बड़े ही चालाकी से एक ट्रिक अपनाया और वो ये है कि आपको इस लोशन को लगाने से पहले फिंगर से स्कैल्प पर मसाज करना है और कंघी घुमाना है। एक्चुअली में यही वो प्रोसेस है जिससे कि हमारे स्कैल्प के यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन होगा, हेयर फॉलिकल स्टिमुलेट होंगे और हेयर फॉल कंट्रोल होगा,
देन जो बेबी हेयर से वो थिक और लॉन्ग हो सकते हैं। तो पूरा काम किससे हो रहा है, जो आप फिंगर से मसाज कर रहे हैं उससे, जो कॉम्बिंग कर रहे हैं उससे हो रहा है, और पूरा क्रेडिट कौन लेगा, ये लोशन ले रहा है। तो आप समझ गए, जैसे कि डर्मा रोलर से ब्लड सर्कुलेशन होगा, वैसे ही आप समवॉट फिंगर से यहाँ पर स्कैल्प पर ब्लड सर्कुलेशन करवा रहे हैं, कॉम्बिंग से कंघी घुमाने से आप ब्लड सर्कुलेशन करवा रहे हैं, और क्रेडिट लेगा कौन, ये लोशन लेगा। सेकेंडली, ये कोई परमानेंट हेयर फॉल सोल्यूशन नहीं है। 3 महीने तक अगर आपका हेयर फॉल कंट्रोल भी कर रहा है तो इसके लिए आपको 9 से 10 हज़ार रुपये खर्च करना पड़ रहा है। द मोमेंट आप इसको लगाना बंद कर देंगे, हेयर फॉल धीरे धीरे फिर से स्टार्ट होगा, तो ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। अब आप हर महीने 3 से 4 हज़ार रुपये सिर्फ इस प्रोडक्ट पर खर्च करेंगे, वो भी हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए, तो आई डोंट थिंक कि ये वर्थ है। लोगों को लगता है कि प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली है, तो डेफिनेटली ये कोई मैजिकल सोल्यूशन है, कोई मैजिक करेगा, जबकि ये हमारे माइंड गेम के साथ खेलते हैं। हमारी मेंटेलिटी ऐसे बना ली है हमने कि प्रोडक्ट कोई भी चीज़ कॉस्टली है तो बहुत ही अच्छा होगा, और चीप है तो कोई काम नहीं करेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितना आप इस प्रोडक्ट पे खर्च करेंगे, 3 से 4 हज़ार रुपये पर मंथ, उससे बेटर है कि आप पर मंथ PRP करवा लीजिए, इससे बेटर रिजल्ट मिलेगा। जितना रुपये आप 3 से 4 हज़ार रुपये इस प्रोडक्ट पे लगा रहे हैं, उससे आधे से आधे रेट में आप मिनोक्सिडिल, डर्मा रोलर, मल्टीविटामिन टैबलेट, सीरम, प्रोकैपिल, बाइकैपिल, रेडेंसिल यूज़ कर सकते हैं, और उससे बेटर रिजल्ट मिलेगा, विजिबल रिजल्ट मिलेगा। नेचुरल प्रोसेस की अगर हम बात करें तो बालायाम, हेड स्टैंड, सर्वांगासन, योग, एक्सरसाइज, इससे आप हेयर फॉल को कंट्रोल कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप मुझसे पूछेंगे सिर्फ हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए 3 से 4 हज़ार रुपये, मैं कभी वेस्ट नहीं करूँगा। वैसे ही नेचुरली तरीके से मैं अपने हेयर को मेंटेन करते आ रहा हूँ, तो क्यों मैं 3 से 4 हज़ार रुपये हर महीने इस पर वेस्ट करूँ। न्यू व्यूअर्स को बता दूँ, अगर आप मेरे हेयर ग्रोथ जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं कि कैसे मैंने मेरे जेनेटिक हेयर लॉस को रीग्रो करवाया, आप अगर जेनेटिक हेयर लॉस को परमानेंटली बचाना चाहते हैं, तो ऊपर ये जो लिंक है इसके ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हैं, या फिर आप वीडियो एंड होने के बाद साइड में जो छोटी छोटी स्क्रीन आएंगी उनमें एक ऑप्शन रहेगा जेनेटिक हेयर लॉस के ऊपर, उसको क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर अगर फ्यूचर में बाद में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखूँगा, उसको भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन एकदम क्लियर और हेल्पफुल है। ऐसे ही जेन्युइन टिप्स के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर सही लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वरना आप डिसलाइक कर सकते हैं। अगर आपके मन में कुछ भी डाउट हो, कोई सवाल हो, कोई सजेशन हो, तो डेफिनेटली आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। अगर आप मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए जेन्युइन टिप्स के साथ। धन्यवाद।